अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रानीज रसोई। आज मैं आपके साथ काजू की बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ एक कटोरा काजू है, इसको मैं ऐसा पीस के रख ली बारीक, और इससे आधा कटोरा शक्कर है और उतनी ही मकदार में पानी है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई में पानी डाल दी है और ये मैं इसमें शक्कर भी डाल दूंगी। अब हम शक्कर को घुला लेंगे। पहले मैं गैस का फ्लेम हाई रखी हुई हूं। ये देखिए शक्कर घुल गई। हमें शीरा नहीं बनाना है, बस शक्कर घुलाना है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये काजू पाउडर डाल दूंगी। गैस का फ्लेम हाई पे ही है। मैं चूल्हा बंद कर दी। देखिए आप, बिल्कुल एक ही मिनट लगा इसको। अब हम थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही रखेंगे। चूल्हा बंद करके भी हम एक आध मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे, ऐसा फैला देंगे पूरा। ये देखिए मैं इसको एक मिनट से ऐसा चूल्हा बंद करके इसमें ही रखी थी कढ़ाई में। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। इसमें ऐसा मैं बटर पेपर रख ली, इसके ऊपर निकालूंगी। ये एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखी मैं। अब इसको रोलिंग पिन के मदद से इसको मैं ऐसा फैला लूंगी। ये चांदी का वर्क है। अब हम ये लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए अब मैं इसको लौजों की शक्ल में काट दूंगी। चलिए ये काजू की बर्फी बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ग्रैनीज़ रसोई अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहाँ पर भी सपोर्ट करिए। और ये रेसिपी आपसे कैसी बनी मुझे कमेंट करके बताइए, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।